अक्तूबर का पूरा महीना खत्म होने वाला है ते पंजाब दे विच झोने का संकट लगातार बरकरार है। इस करके वख-वख जथेबंदियां दे किसान पूरे पंजाब दे विच कई दिनों तो धरने मुजहरे कर रहे ने। उगराह जथेबंदी की अगवाई दे विच टोल प्लाजिया समेत आम आदमी पार्टी ते बीजेपी लीडरां दे घरां दे मूहरे लाए धरनियां नूं अज दसवां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चे दीआं जथेबंदियां भी पड़ावार संघर्ष कर रहीआं ने ते संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी ने तां पक्के मोर्चे ला दित्ते ने। पंजाब दीआं पंज थावां ते पक्के मोर्चे लाए गए ने। सरवण सिंह पंधेर दी जानकारी दे मुताबिक जिला कपूरथला दे फगवाड़ा विच अमृतसर दिल्ली शाहरा ते मोर्चा लाया होया। इसी तरह संगरूर बठिंडा हाईवे ते बडरुखां दे विच मोर्चा है। मोगा जिले दे विच डगरू च मोगा फिरोजपुर हाईवे ते गुरदासपुर जिले दे विच सत्याली फूल गुरदासपुर टंडा हाईवे ते मोर्चा लग्या। इसी तरह बटाला रेलवे स्टेशन ते भी किसानां ने मोर्चा ला दिता है। ये मोर्चे पक्के लाए गए हैं। जदों तक झोने की निर्विघन खरीद चुकाई नहीं शुरू होंगी उदों तक किसानां दे मोर्चे जारी रहेंगे। पराली ते डीएपी खाद का मसला हल करने की भी किसान मांग कर रहे हैं। अज दूसरा दिन है फगवाड़े दे विच जिहड़े पंज मोर्चे चल रहे ने पंजाब दे विच। पंजवां मोर्चा बठिंडे बाईपास ते भी लगा होया वा। अज इत्थे ही कैमएम दे सारे पंजाब दी लीडरशिप ते साडे दूजे फोरम दे साथी भी पहुंचणगे। इत्थे मीटिंग करके अगली रणनीति तय करांगे। और अज दूसरे दिन भी तुहानूं पता पिछे मोर्चा साडा चल रहा वड्डी पद्धर ते किसान इत्थे आए हुए ने। और कल दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री पंजाब ने साडियां समस्या हल करन दी बावजूद किसान लीडरां ते शब्दिक हमला शुरू कीता। वो कहिंदे मैनूं समस्या बारे पता वा, असीं जाणदे आ। फिर जान बुझ के किसानां नूं मंडियां विच रोलिया गया। साडे सीएम साहब जदों विरोधी धुर चुंदे कहिंदे सी इक बन्ने ट्राली लथूगी तलाई होजू पेमेंट खाते रात भी नहीं कहते कट्टण देंगे। हुण तां 15-15 रातां सीएम साहब मंडियां च बह गए। जाहिर तौर पर किसानों के मोर्चिया करके सड़कों पर कई कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबिया लाइन लग गई हैं। वड्डी गिणती विच किसान मजदूर नौजवानों ते बजुर्गों के वलों सूबा ते केंद्र सरकार खिलाफ नारियां की गूंज इत्थों पै रही है। तो जदों जाम की वजह करके लोग पिंडां दे विचों बदलवें राहां की वरतों करन लगे तो उधर भी कई कई किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लग गई। लोगों नूं भारी दिक्कतां दा सामना करना पिया। हालांकि किसानां दे वल्लों जाम दे विच एंबूलेंस पुलिस ते होर एमरजेंसी सेवावां दे लई बदलवें प्रबंध कीते गए हन। पर आम राहगीर कई कई घंटे जाम दे विच खज्जल हुंदे रहे ते लोग हुण किसानां दा विरोध भी करन लगे हन। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किसानां नूं सड़कां ते बह के आम लोगों नूं तंग परेशान ना करन दी अपील कीती है। सीएम ने कहा कि किसानां दी फसल खरीदी जा रही है, आड़तियां दीआं समस्यावां हल हो चुकियां ने। शैलर मालकां दा रेड़का कहिंदे केंद्र सरकार दे नाल है ते सूबा सरकार तां किसानां दी फसल दा एक एक दाणा खरीदण दे लई वचनबद्ध है ते खरीद भी रही है। बाकी मेरी बेनती किसान यूनियन नूं कि सड़कां ते बहना कोई बहुता ज़्यादा लोगों नूं तंग करना जां कोई हर गल ते फिर ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सानूं भी पता है समस्यावां दा मुश्किलां दा, पर जिवें जिवें साडे कोले मंडियां च झोना आ रहा खरीद हो रही है सीसीएल रही पैसे जा रहे हैं तुल भी रही है आड़ती दी समस्या हल ने कल शैलरां दी प्रॉब्लम है वो सेंटर नाल है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल शाम नूं दिल्ली विच रसायण ते खाद मंत्री जेपी नड्डा नाल मुलाकात करके सूबे विच 15 नवंबर तक डीएपी खाद की मुकम्मल सप्लाई करन दी मांग कीती। सीएम ने केंद्रीय मंत्री नूं दस्या कि पंजाब सूबा देश दे अन्न भंडार दे विच कणक दी सप्लाई दा लगभग 50% योगदान पाउंदा है। इस करके पंजाब नूं पहल दे आधार ते सप्लाई यकीनी बनाई जानी चाहीदी है। उन्हां दस्या कि केंद्रीय मंत्री ने डीएपी खाद दी मंग नूं छेती तों छेती पूरा करन दा भरोसा दवाया है। अज मानयोग रसायण ते खाद मंत्री श्री जेपी नड्डा जी नाल मुलाकात हुई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा है वो कणक दे विच देश दे विच लगभग 50% का योगदान पाउंदा। मेरे को अंकड़े ने 22-23 च 51% सी 51% 23-24 च 46% 24-25 च 46.8% मतलब 50% दे लगभग असी कणक दा जिहड़ा भंडार है उद्देश नूं दिंदे हां। हालांकि कणक जिहड़ी है वो साडी अपनी भी खुराक है,
असी बे सारी नहीं बेचते, असी घर भी रखते हैं अपने खाने लई, जां फिर साढ़े जिहड़े पंजाब दे वासी ने, चाहे खेतों च काम करते मजदूर ने, उन्होंने भी कणक तो चाहिए, पर कणक देश नूं भी चाहिए है पीडीएस वास्ते। तो अज असी नड्डा साहब ने गल की है कि कणक वास्ते डीएपी की लोड़ होंगी। मैं खुद कणक बीजदा रहा, जां तां फिर कणक दे बीज दे विच डीएपी रलाऊंगे मैनुअली हत्थां नाल, जां अजकल मशीन आ गई कि जिहड़ी अगली रैक है उहदे विच डीएपी होगा, पिछली दे विच बी होगा, तो जिहड़ी मशीन चलूगी वह दोनों चो एक एक दाना चकूगी। तो सानू जिन्ना डीएपी चाहिए पर मंथ जां जिन्ना सानू स्टॉक चाहिए वो साढ़े कोल अजे तक पहुँचा नहीं। असी तो 50% के कंट्रीब्यूटर हाँ, सानू पहला दे दो, बाद तुसी जिवें जिवें तुहानू शिप आउंदे रहणगे उवें उवें तुसी दूसरे सूबे नूं दिंदे रहो। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पोंस दिता कि असी पंजाब नूं प्रायोरिटी ते रखांगे। मैं कोई क्राइसिस दे विच नहीं आया, पर क्राइसिस आ ना जावे मैं तां आया। पंजाब दे विच झोने दे उलझे हुए मसले ते भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली च बोलदिआं कहा कि शुक्रवार नूं पंजाब दे विच 3.5 लाख मीट्रिक टन की असी खरीद कीती है। एक अद्धे जिले दे विच कहिंदे जरूर समस्या हो सकती है, पर साढ़े वल्लों खरीद कीती जा रही है ते लिफ्टिंग दा मसला केंद्र सरकार दे नाल है। असी अपने वल्लों कल्ला कल्ला दाणा चुकण दे लई वचनबद्ध हाँ। असी कहिंदे प्रहलाद जोशी जी नाल पहला भी गल कर चुके हाँ, अज भी कहिंदे गल होई है कि लिफ्टिंग लई सही ढंग नाल प्रबंध कीते जाण। बाकी प्रोक्योरमेंट की गल कल साढ़ी 3.5 लाख लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई सी, अज 4 क्रॉस कर जूगी लिफ्टिंग जो लिफ्टिंग है। तो कोई इदां दी गल नहीं, कोई मतलब हो सकता किसी एक जिले च कोई इदां दी दिक्कत होए, पर मैं पहला भी गल कर चुके हैं, प्रहलाद जोशी जी ने अज भी गल हुई है, अमित शाह जी ने अज गल हुई है कि जो लिफ्टिंग है उहदे लई प्रॉपर प्रबंध करो। तो जिहड़ा पुराना चौल पिया वह भी साडा जिहड़ा FCI का सारा सेंटर नाल संबंधित है, तो असीं मिल के सारा असी ये जिहड़ा क्योस है थोड़ा बहुत क्रिएट हो गया वो ठीक करांगे। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली विच पत्रकारां दे नाल बोलदिआं केंद्रीय राज मंत्री ते बीजेपी लीडर रवनीत सिंह बिट्टू दे बयान दा वी जवाब दित्ता कि रवनीत बिट्टू दे बयान बेबुनियाद ने, जदकि खेतीबाड़ी बारे बिट्टू नूं ऊड़ा आड़ा भी नहीं आउंदा। मैं तां कहिंदे मंडियां च रहा, बिट्टू जी नूं मंडियां बारे की पता है, पर हुण कहिंदे जदों मंत्री बन चुके ने तां अफसरां नाल गल करके उन्हां नूं सही अंकड़े पेश करने चाहीदे ने। और बिट्टू जी अज कुछ बोल रहे थे जी, बोल रहे थे कि आप कभी मंडी नहीं गए। मैं मंडियों में रहा हूँ जी, बिट्टू जी को मंडी का क्या पता है, मैं रहा ही मैं पैदा ही मंडियों में हुआ हूँ, और जो आंकड़े दे रहे थे उनको चाहिए, अब मंत्री बन गए हैं, कम से कम अफसरों के साथ बात करके सही आंकड़े पेश करें कि कितना धान हर रोज आता है, कितना बिकता है, कितना तुलता है, कितना उठता है। आप ऐसा करना, बिट्टू जी को पूछना कि झार की होंगे, कहते झार बेचे, उन्हें पूछो ये सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इनको पता क्या पता मंडियां क्या होती हैं। दरअसल बीजेपी लीडर ते केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल झोने की चुकाई ना होने का सारा दोष पंजाब सरकार दे सिर मढ़दिया कहा कि लोक सभा चोणां विच हारन तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार किसानां आड़तियां ते शैलर मालकां तो बदले लै रही है। सेंटर सरकार ने तां कहिंदे 2 महीने पहला ही 44,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार नूं दित्ते ने, पर सरकार अनाज नूं खरीद नहीं रही। जे कहिंदे पंजाब सरकार नूं 10,000 करोड़ भी होर चाहीदे ने तां केंद्र सरकार तुरंत पैसा दे दूगी। रवनीत बिट्टू ने पंजाब सरकार ते गलत बीज दे के झोने दे गलत पैदावार करवाउण दे इल्जाम भी लाए। बिट्टू ने स्पष्ट तौर पर चंडीगढ़ के मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि झोने की खरीद विच देरी लई मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। 40,000 करोड़ तो उत्ते पंजाब सरकार नूं अज 2 महीने हो गए पैसा दिते नूं, जे ये खरीद कर लैण चाहे 5 चाहे 10,000 करोड़ रुपया, असीं उरे मैं केंद्र सरकार होंदे जे 10,000 करोड़ रुपया होर चाहीदा हो MSP का 10,000 करोड़ रुपया कल मंगण कल आ जाऊगा। 3500 वाला बी आ वह दोबारा एक बार ला ली पनीरी, उदू बाद दोबारा काम नहीं आना, दोबारा फिर 3500 का लेना पैना।
ਇਹ ਪਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਆਰ 126 ਦਾ 9 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਮਾਨ ਪਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।